हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय चैनल ऑक्सफोर्ड एजुकेशन पॉइंट। फ्रेंड्स, आज मैं कोरोना वायरस जो कि बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में है, तो यहाँ से एक से दो क्वेश्चन बनने की संभावना है किसी भी एग्ज़ाम में, तो आप पूरा वीडियो अवश्य देखिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं फ्रेंड्स, तो चैनल को लाइक करिएगा और सब्सक्राइब भी करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि जितने भी महत्वपूर्ण वीडियो अपलोड किए जाएँ तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सुर्खियों में रहा कोरोना क्या है? तो आज क्वेश्चन आप पॉज करिए वीडियो को, उसके बाद खुद से करिए, देन आप आंसर सुनिए। फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा कोरोना एक वायरस है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोरोना वायरस की शुरुआत चीन के किस शहर से हुई? तो कहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई? इसकी उत्पत्ति फ्रेंड्स चीन के वुहान शहर से हुई, जहाँ अभी 2000 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं। ये आंकड़ा 3000 के आसपास ही पहुंच गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोरोना वायरस को WHO ने आधिकारिक रूप से क्या नाम दिया है? तो आधिकारिक रूप से कोरोना वायरस का एक नाम दिया गया है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा। तो इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है फ्रेंड्स नोवल कोरोना वायरस। ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोरोना वायरस से फैलने वाली बीमारी को WHO ने क्या नाम दिया है? तो इसके कारण एक बीमारी फैली कोरोना वायरस के कारण, ये तो कोरोना एक वायरस है परंतु इसके कारण एक बीमारी जो जिसको नाम दिया गया है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा, तो इसका नाम क्या है? इसका नाम मैंने आपको बताया था अपने मंथली करंट अफेयर वीडियो में। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए COVID-19। यहाँ पर CO का मतलब होता है, आपको पता होगा कोरोना, VI का मतलब होता है वायरस एंड D का मतलब होता है डिजीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संस्था ने कोरोना वायरस को लेकर विश्व स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया है? तो वर्ल्ड इमरजेंसी जो लागू की गई है, किस संस्था के द्वारा लागू की गई है कोरोना वायरस को लेकर? तो इसका आंसर हो जाएगा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य ने कोरोना वायरस को लेकर राजकीय स्वास्थ्य आपात घोषित किया है? तो भारत में एक राज्य है जिसने कोरोना वायरस को लेकर स्वास्थ्य आपात घोषित किया है, तो किसने किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केरल ने ऐसा किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य ने इस वायरस से निपटने के लिए टास्क फोर्स गठित किया है, मतलब एक समिति का निर्माण किया है जो कोरोना वायरस से संबंधित महत्वपूर्ण अध्ययन करेगी और उससे संबंधित सावधानी बरतने के लिए नियम और कुछ उसके लिए रेगुलेशन बनाएगी? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए, दिल्ली सरकार द्वारा एक कोरोना वायरस से निपटने के लिए टास्क फोर्स का गठन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा कोरोना से निपटने के लिए कहाँ पर एक कार्यशाला बनाया गया है, मतलब ऑफिशियल तरीके से एक कार्यशाला खोला गया है, ठीक है, ताकि कोरोना वायरस से निपटा जा सके। तो यह किसने किया है कार्यशाला जो बनाया गया, वो कहाँ बनाया गया फ्रेंड्स? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यह कार्यशाला दिल्ली में बनाया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संस्था ने कोरोना से निपटने के लिए 2 मिलियन अमेरिकी $ की सहायता राशि प्रदान की है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ADB द्वारा 2 मिलियन $ की सहायता राशि प्रदान की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोरोना वायरस से मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इससे क्या होता है कि आपकी जानकारी और बढ़ेगी। तो कोरोना वायरस से मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, ये क्वेश्चन आ सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा फेफड़ा। जो लंग्स होते हैं वो कोरोना वायरस से सर्वाधिक प्रभावित होते हैं, क्योंकि व्यक्ति को खांसी बुखार और जुकाम के साथ साथ सांस लेने में काफ़ी दिक्कत होती है। तो अगर ये लक्षण आपके अंदर हैं तो इसका मतलब कोरोना वायरस की संभावना कहीं ना कहीं व्यक्त की जा सकती है, परंतु ज़रूरी नहीं है ये, लेकिन इसके बाद आपको टेस्ट कराया जाएगा आपका। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने NCOV का नाम कब रखा है, अर्थात नोवल कोरोना वायरस का नाम कब रखा? तो ये रखा था 2019 में, ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कोरोना वायरस का लक्षण नहीं है? तो कौन सा लक्षण नहीं है, आप अगर पढ़े होंगे न्यूज़पेपर में तो आसानी से कर पाएंगे। खांसी और जुकाम आता है, साथ तेज़ बुखार भी आता है और सांस फूलता है। अगर ये तीनों लक्षण एक साथ पाए जाते हैं तो कोरोना वायरस की पुष्टि की संभावना अधिक हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्ति में लक्षण कितने दिन बाद दिखाई देने लगते हैं, अर्थात अगर कोई व्यक्ति संक्रमित हो गया है तो कितने दिन बाद उसके अंदर ये जो लक्षण है वो दिखाई देंगे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 14 दिन बाद ये लक्षण दिखाई देने लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोरोना वायरस के विस्तार को किसके अंतर्गत रखा गया है, अर्थात इस बीमारी को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा किस
तकनीक उसके अंदर किसके अंतर्गत रखा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स पेंडेमिक। तो पेंडेमिक के अंतर्गत ऐसी बीमारी को रखा जाता है या ऐसे बीमारी से जो प्रसार होते हैं वो तेज़ी के साथ किसी विशेष क्षेत्र में होते हैं उन्हीं को रखा जाता है, जबकि एपिडेमिक को अगर किसी बीमारी का प्रसार बहुत तेज़ी के साथ पूरे विश्व में हो गया है तो एपिडेमिक के अंतर्गत रखा जाता है। पेंडेमिक के अंतर्गत रखे जाने की जो कोरोना वायरस की वो जो वर्ड है ऑर्गेनाइजेशन की जो रिपोर्ट है उसमें ये बताया गया कि इसको एपिडेमिक के अंतर्गत इसीलिए नहीं रखा गया क्योंकि कोरोना वायरस का जो विस्तार है वो व्यक्तियों के एक जगह से दूसरे जगह आवागमन की वजह से बढ़ा है, ना कि नेचुरल तरीके से इसका जो प्रसार होता है हवाओं द्वारा ऐसा नहीं हुआ है। इस वजह से अभी भी इसको पेंडेमिक के अंतर्गत रखा गया, परंतु कुछ रिपोर्ट के माध्यम से या कुछ संस्थाओं ने इसे एपिडेमिक के अंतर्गत रखने की बात की गई है। तो यहाँ इसका आंसर अभी बी ही होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, कोरोना वायरस से लगभग कितने देश प्रभावित हुए हैं? तो कोरोना वायरस से कितने देश प्रभावित हुए हैं आप इसका आंसर बता सकते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 75 देश कोरोना वायरस से प्रभावित हुए। तो ये फ्रेंड्स 15 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब और करिएगा, लाइक भी करिएगा। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए धन्यवाद।